दोस्तों, पिछले साल की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 4 लाख भिखारी हैं और उनमें से लगभग 80,000 तो ऐसे हैं जो एजुकेशन के मामले में आपसे या हमसे बिल्कुल भी कम नहीं है। मगर भीख मांगना या तो उनकी एक मजबूरी बन गई है या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया है। ज्यादातर किस्सों में तो इनके पीछे बड़े बड़े माफियाओं का अच्छा खासा गिरोह काम करता है जो इनसे अपाहिज होने का झूठा ढोंग करवा कर भीख मंगवाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी सिग्नल पर खड़े जिस इंसान को आप मजबूर और बेसहारा समझकर खाना या पैसे देते हैं, वो कुछ इस तरह आपका उल्लू बना रहा होता है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, ऐसे किस्सों की तो अच्छी खासी लिस्ट है हमारे पास। तो चलिए आज आपकी आंखों से पट्टी हटाते हुए दिखाते हैं नकली भिखारियों के ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले पल। नमस्कार और स्वागत है आपका दी मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले बात बैसाखी लेकर खड़े इन दो लड़कों की, जिन्हें देखकर हर कोई इन्हें अपाहिज ही समझेगा। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंसानी फितरत होती है कि हमको बेबस लोगों पर जल्दी तरस आ जाता है। देखिए कैसे ये लोग आपस में पैसों को लेकर झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी वहां बैठे कुछ लड़कों के दिमाग में अचानक उनकी पोल खोलने का आइडिया आता है और फिर वो उनके पीछे कुत्ता छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप यकीनन अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। जब बात नकली लंगड़े भिखारियों की हो रही हो तो जरा एक बार इसे देखिए। भीख मांगने का ये कुछ अलग अंदाज है। ये पहले आपको एक पर्चा पकड़ाएंगे और फिर पैसे मांगेंगे। ये लड़का भी बस स्टैंड पर उसी स्टाइल में भीख मांग रहा था, लेकिन तभी वहां पर खड़े कुछ लड़कों को इस पर शक हो जाता है और वो इसे पकड़कर अपना पैर ठीक करने के लिए बोलते हैं। पहले तो ये लड़का खूब आनाकानी करता है और रोने लगता है, और फिर जैसे ही इसे थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो ये मौके पर चौका मारते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है। हालांकि किस्मत ने तब भी इसका साथ नहीं दिया और ये उन लोगों के हाथ लग ही गया। दोस्तों, चाइनीज ऐप टिकटॉक ने बहुत से खाली बैठे लोगों की दुनिया ही बदलकर रख दी थी। न जाने कितने ही लोगों ने तो इससे अच्छी खासी कमाई भी की है, मगर जब से ऐप बंद हुई बेचारे टिकटॉकरों की तो हालत ही खराब हो चुकी है। अब इसे ही देख लो, ये लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था, तभी कुछ लोगों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसके मैले कपड़े और बाबा वाला लुक उतरवा दिया। इसके बाद कपड़े बदलकर लड़के ने जब अपना मुंह धोया तो देखने वालों की बोलती ही बंद हो गई। आप खुद ही देख लें इसके जलवे। वैसे जलवे तो इस बुरके वाले लड़के के भी कमाल हैं। इसने सोचा कि अगर ये महिला बनकर घूमेगा तो इसे आसानी से भीख मिल जाएगी। मगर एक दिन डॉल्फिन नाम की एक संस्था के कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने उसका बुर्का उतरवाया। तब अंदर से निकले इन मूंछों वाले जवान चेहरे को देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, अब इस वीडियो में देखिए, ये आदमी जमीन पर ऐसे चल रहा है जैसे इसका पैर खराब है, लेकिन कुछ देर के बाद कैमरे में जो कैद हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। दरअसल ये आदमी और इसका पूरा परिवार इसी तरह गलियों में घूमकर भीख मांगते हैं, लेकिन जब इन्हें लगा कि ये इलाका पूरा कवर हो गया है तो इन्होंने वहां से निकलने का सोचा। देखिए कैसे पहले तो इन्होंने एक खाली गली चुनी और फिर वहां पर एक मकान की सीढ़ियों पर बैठकर पहले तो इस आदमी ने अपना नेहरू कोट उतारा
अपनी चप्पल बदली और फिर सारा भीख मांगने वाला सामान पैक करके ये बड़े आराम से अपने पैरों पर चलते हुए वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा भिखारी जिसे देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बेचारा घायल है। देखिए कैसे इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरे हाथ में इसने एक छड़ी ले रखी है जिसके सहारे ये चलने का नाटक कर रहा है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ जब लोगों ने इसकी पट्टी उतरवाई। जी हाँ, इसका हाथ बिल्कुल ठीक निकला। इसने महज वहां पर दवाई लगाकर नकली पट्टी बांध रखी थी ताकि लोगों को इस पर तरस आ जाए और वो इसे भीख दे दें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वो भाई साहब जो इनसे भी आगे निकल गए। इन्होंने तो अपना हाथ ही गायब कर दिया। जब स्ट्रीट क्राइम पर नजर रखने वाली डॉल्फिन फोर्स ने इस आदमी को देखा तो उन्हें इस पर शक हुआ। मजे की बात यह है कि उन्होंने जब इसे पकड़ा तो ये बेशर्मों की तरह हंसने लगा। असल में इसने अपना एक हाथ पायजामे में बांध रखा था और ऊपर से ढीला ढाला कुर्ता पहन लिया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इसका एक हाथ है ही नहीं। फिर लोगों के समझाने के बाद शायद इसे कुछ अकल आई और इसने कैमरे के सामने माफी भी मांगी। दोस्तों, हमारी इस क्लिप में देखिए भीख मांगने का एक और नया अंदाज, जहां रिक्शे पर एक बेबस औरत लेटी है और इस आदमी ने एक बड़े से स्पीकर में रिकॉर्डिंग चला रखी है कि ये औरत लाचार है और इसको अपनी बेटी की शादी करनी है। ये वो तरीका है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और कमाई भी अच्छी हो जाए। मगर इनका दिन शायद खराब था जो ये एक सरदार जी के हत्थे चढ़ गए और फिर क्या था, सरदार जी ने भी इन्हें आड़े हाथों ले लिया। पहले तो ये औरत उनसे बहस करने लगी लेकिन सरदार जी भी अड़े रहे। उन्होंने उसके पैर की पट्टी खुलवाई और फिर पट्टी के साथ साथ इनकी पोल भी खुल गई। ये औरत बिल्कुल ठीक थी, ना तो इसे कोई बीमारी थी और ना ही टांग में कोई दिक्कत थी। वैसे देखा जाए तो कभी कभी इस तरह सड़कों पर भी लोगों का रियल एक्टिंग टैलेंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आज के वक्त में जर्नलिस्ट सच्चाई से पर्दा तो कम उठाते हैं पर सच्चाई पर पर्दा डाल जरूर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, और ऐसे ही हैं ये पत्रकार साहब। ये एक भिखारी का इंटरव्यू ले रहे थे जो देखने में अपाहिज लग रहा था, लेकिन जब रिपोर्टर को उस पर शक हुआ तो उसने उस भिखारी को चलने के लिए बोला। शुरू में तो वो बैसाखियों के सहारे ही चल रहा था, फिर उसने भिखारी को बिठाया और उसके पैर चेक किए तो उसे सब कुछ ठीक लगा। अगर चुप करके टूर पेंगा तो तेनु अच्छे छट के टूर जाएंगे। मैं सारी गल समझ गया। जिसके बाद पत्रकार ने जबरदस्ती भिखारी को खड़ा करने की कोशिश की तो शुरू में तो वो नानुकर कर रहा था, लेकिन फिर जब लोगों ने इसे डांटा तो इसकी सारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दोस्तों, गली चौराहों पर अपाहिज भिखारियों की अच्छी खासी मादा देखने को मिल जाती है। अब इस भिखारी को ही देख लीजिए। इस भिखारी ने अपने पैर को ऐसे बांध लिया था जैसे कि इसका पैर है ही नहीं, लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब हैरान हो गए। जाएंगा।
दोस्तों आप सभी ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, आराम हराम है। लेकिन लगता है इन भाई साहब ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और आराम करके पैसा कमाने का आसान तरीका ढूंढ लिया। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि ये जनाब बच्चों के स्कूटर पर बैठकर भीख मांग रहे थे और लोगों को ये लग रहा था कि ये अपाहिज हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को उस पर शक हुआ और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। दोस्तों युवाओं में बेरोजगारी का ये आलम है कि वे पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। अब इस आदमी को ही देख लो, इसने अपने पेट पर चोट का ऐसा निशान बना रखा था कि देखने वाले को यह लग रहा था कि उसका पेट बुरी तरह से जला हुआ है। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक गए। आपको बता दें कि भीख के नाम पर लोगों से खिलवाड़ करने का ये मामला नाइजीरिया का है। वैसे दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं था कि आप किसी की भी मदद ना करें, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर लोगों ने इसे अपना पेशा बना लिया है, जिनकी वजह से कोई मदद करना चाहे भी तो वो फैसला नहीं कर पाता है कि हकीकत में कौन मदद का हकदार है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या कभी आपको कोई ऐसा भिखारी मिला है जो आपको नकली सा लगा हो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और दी मिस्टिका लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।